हेलो दोस्तों, राम राम जी सभी भाइयों को। भाइयों कैसे हो, आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों भाई, फरीदाबाद में बहुत खतरनाक बारिश हुई है। 8 घंटे हो गए बारिश होते हुए थे कंटिन्यू, लेकिन भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। देख सकते हो भाई, पूरे रोड पे हाईवे पे पानी पानी भर चुका है, 2-2 फुट तक। देख सकते हो बिल्कुल हालत खराब है दोस्तों, बिल्कुल खतरनाक वाली बारिश हुई। देख सकते हो चारों तरफ पानी पानी हो गया। ये हाईवे है दिल्ली मथुरा हाईवे, तो इस पर भी देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ है दोस्तों। तो बहुत खतरनाक बारिश हुई दोस्तों, 8-10 घंटे हो गए भाई, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ है भाई, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है फरीदाबाद और गुड़गांव में। गुड़गांव में तो भाई हालात और भी खराब है, वहाँ तो पानी निकलने का है ही नहीं कुछ, मतलब ट्रैफिक इतनी ज्यादा लगता है वहाँ तो, बारिश हो जाती है जब बहुत ज्यादा भाई। तो ये देख सकते हो भाई, हमने आपके लिए वीडियो बनाया था। देख सकते हो ये रोड जा रहा है भाई दिल्ली से मथुरा की तरफ, जो बल्लभगढ़ से पहले है, सूरदास मेट्रो स्टेशन है उसकी लोकेशन है। ये देख सकते हो रोड पे कितना सारा पानी भरा हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हो बिल्कुल पानी पानी लबालब हो चुका है भाई। खतरनाक वाली बारिश हुई है, मत पूछो बात। तो भाई इस साल तो भाई बहुत अच्छी बारिश हुई है इधर फरीदाबाद गुड़गांव में। तो आपकी तरफ बारिश कैसी हुई है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो हमने आपके लिए वीडियो बनाया था। और भाई बारिश में सुरक्षित ड्राइविंग करें भाई, आराम से ड्राइविंग करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि भाई बारिश में शीशे में भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, शीशा भी ऐसा हो जाता है कुछ पता भी नहीं चलता क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो भाई आराम से चलाओ गाड़ियाँ, मतलब जल्दबाजी मत करो दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि भाई बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। आपको दिख रहा होगा इस सामने सूरदास मेट्रो स्टेशन है, आप कभी दिल्ली से मथुरा की तरफ गए होंगे तो दोस्तों। और देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ है इसमें, देखिए मेट्रो स्टेशन के नीचे भी पानी भरा हुआ है, रोड का पता नहीं चल रहा भाई रोड है क्या है। देख सकते हो कितना पानी उछल रहा है, देख सकते हो 6-6, 7-7 फीट पानी ऊपर उठ रहा है। देख सकते हो दोस्तों जब गाड़ी चलती है तो इतना पानी ऊपर उठ रहा है। तो भाई मज़ा आ गया, मतलब ठंड हो गई इतने दिनों से, अभी बीच में गर्मी पड़ने लग गई थी क्योंकि बारिश रुक गई थी भाई, तो वापस बारिश स्टार्ट हो गई तो थोड़ी ठंड हो गई, मतलब कंबल की ज़रूरत पड़ने लग गई भाई। अब रात को भी कंबल ओढ़ के सोते हैं और पंखा भी बंद करते हैं क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आप पंखा वंखा बंद नहीं करोगे तो भाई तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये देख सकते हो दोस्तों खतरनाक वाली बारिश हुई है, देख सकते हो ये देखिए पूरे रोड पे पानी पानी है भाई, पता नहीं चला ये नदी है या रोड है, ऐसा फील हो रहा है कि हम नदी में आ गए हों। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल मतलब नदी जैसी लग रही है लोकेशन, ऐसे पता नहीं चल रहा भाई ये क्या है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है नदी है भाई ये। तो भाई वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक जय हिंद जय भारत जय श्री।